Thank you for having me here. I am Sheetal Paul from the Teacher Author Workshop. Basically, abhi aane wala jitna bhi samay hai, hum thodi si baatcheet karenge Teacher Author jo karyashala hai uske bare mein, aur saath hi jo rachnaye rachi gayi hain. Basically, is karyashala mein bachchon ke liye sahitya, wo kahani ka roop ho ya kavita ka roop ho, usko रचने से पहले उसे समझा जाता है. शुरुआत होती है भाषा की प्रकृति को देखते हुए और बच्चे भाषा के साथ करते क्या है, कैसे सीखते हैं उसको समझते हुए साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे साहित्य को देखते हैं जो हम हमारे बच्चे, भारत के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो मार्केट में उपलब्ध है. उस साहित्य को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, भाषा की समझ बनाते हुए हम फिर खुद से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कक्षाओं के बच्चों के लिए उनकी भाषा में लिखने की ओर बढ़ते हैं. और वो छोटी छोटी कहानियां हो सकती हैं, वो कविताएं होती हैं, वो पहेलियां होती हैं, ना कुछ अंश होता है. तो टीचर ऑथर को भी लगभग 3.5 साल हो गए हैं और इस दरमियान हमने बहुत सारे टीचर ऑथर्स जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनके साथ इसी सिलसिले के इर्द गिर्द काम करने की कोशिश की है. तो अभी मैं बहुत खुश हूँ कि इस समय जो अभी हम बिताने वाले हैं, हम थोड़ी सी जो रचनाएं हैं जो स्पेशली पहले से लगभग पहले 10 बैचेस में जो पार्टिसिपेंट्स ने लिखी है उसमें से हम कुछ आपके साथ साझा करना चाहेंगे. एंड आई सिंसियरली होप यू एंजॉय देम. एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं. ओके, या तो ये 2 भाषाओं में हमने प्रिंट की थी, एक हिंदी में कविता खोट और अंग्रेजी में पोएट्री सिली. तो और ये मुमकिन नहीं हो पाता कि रचनाएं इस तरीके का कुछ रूप ले पाते हैं अगर हमारे बहुत सारे दोस्त, शुभचिंतक और बहुत सारे चित्रकार हमारा साथ नहीं देते. सो थैंक यू टू ऑल एंड एवरीबडी हु बीन विद अस इन दिस जर्नी, हु कंट्रीब्यूटेड वेरी ग्रेशियसली एंड जेनरसली. सो लेट्स बिगिन. कुछ कुछ कविताएं हैं मैं पढ़ देती हूँ. ये हमने 2 फॉर्मेट में प्रिंट करने की कोशिश की थी. सो शुरुआत में हमने ये एक बड़ा A3 साइज है जो एक प्रिंट की तरह हम कक्षा में यूज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है. बाकी ये एक A4 शीट के साइज में भी उपलब्ध है. या तो ये जो कविता है मनस्ते मनस्ते, ये लिखी गई है, आप अगर ना पढ़ पाए तो, ऋचा पंत जी द्वारा. ऋचा पंत जी नोएडा में रहते हैं और बच्चों के साथ इनका जो काम है बहुत ही वैरायटी में रहा है. एंड आप खुद ही पढ़ के जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी मजेदार कविता है ये. सो कविता का नाम है मनस्ते मनस्ते. नैना एक बातूनी बच्ची, पक्की अपनी धुन की सच्ची, बस एक बात में रह गई कच्ची, म और न में खा गई गच्ची, मिलती जिसे भी चलते चलते, करती है उनको मनस्ते मनस्ते, नहीं नहीं नमस्ते. अब आया है मई का महीना, गर्मी बहुत ऊपर से पसीना, राह में मिल गए भैया जुल्फी, खात बनाते हैं जो मीठी कुल्फी, नैना बोली उछलते उछलते, जुल्फी भैया मनस्ते मनस्ते, नहीं नहीं नमस्ते. खाके कुल्फी आया ना चैन, फ्रिज में रखा था जूस का कैन, अब्बू को मनाया मटकते मटकते, गट का जूस और कहा मनस्ते मनस्ते, नहीं नहीं नमस्ते. न और म का ताना बाना, नैना को मुश्किल समझाना, न से नैना म से मैना, बोलो नैना नमस्ते, हाँ हाँ मनस्ते मनस्ते, नहीं नहीं नमस्ते. तो ये है नैना की नमस्ते. और
कविता के साथ एक छोटा सा एक गतिविधि देने की कोशिश भी की गई है यहाँ पे। उदाहरण के लिए नैना है और नैना ने कुछ शब्दों में गड़बड़ कर रखी है, तो बच्चों को पढ़ना है और बताना है कि वो शब्द कौन से हो सकते हैं, क्योंकि न और म में गच्ची खा जाती है, तो उसी के इर्द गिर्द आप देखेंगे कुछ शब्द है या? तो ये एक कविता रही, आई होप यू लाइक। ये दूसरी कविता है, डुबक 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 डुबक, जो कविता है हमारे दो टीचर ऑथर साथियों ने लिखी है, हीना परवीन और महिमा रस्तोगी, और चित्रकारी की है सोनिया मंडल ने। डुबक 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 के नाले में काली कीचड़ गंदा कूड़ा, मजा आ गया नहाने में। बाहर निकलकर नाले से झड़ 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 खुद को झाड़ा, यहाँ छींटे वहां छींटे मजा आ गया छिटकाने में। मूछ तनाए पूछ घुमाए स्टाइल से ऐसे पैर चलाए, इस गली से उस गली मजा आ गया मंडराने में। तो यदि आपको कभी ऐसे डुबक डुबक डुबकते हुए कोई साथी मिले तो उन्हें पकड़ के ये कविता सुना सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक सवाल है नन्हे पाठकों के लिए, जो वो पढ़ के कर सकते हैं कि इस कविता को वो एक नया नाम दे सकते हैं। और जब आप भी कभी नहाकर ऐसे ही स्टाइल से चलते हैं तो स्टाइल से चलते हुए अपनी एक यहाँ पे चित्र बनाएं, तो ये एक गतिविधि वो कविता के साथ कर सकते हैं। क्योंकि अब दिसंबर आ गया है और सर्दी का महीना है, मौसम है, ये एक कविता है, सर्दी ही सर्दी, इनको देख के लग रहा है काफी सर्दी लग रही है। ये लिखा है संगीता सिंह जी ने और चित्रांकन किया है सोनिया मंडल ने। सर्दी ही सर्दी। हाय रे, फिर से आ गई सर्दी, ऊपर से सूरज ने हद ही कर दी, कट 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 दांत कटकते, जूतों में मोजे अटकते, आछी आछी छीके आई, ऊ कंपन कंपाई, ठंड में गाल हो गए लाल, सिर का भी है बुरा हाल, पापा ने 3 स्वेटर पहनाए, टोपी और मफलर भी उड़ाए, हाय रे, फिर भी ठंड ना रुकी, पता नहीं कौन सी जगह है चुकी। आप पहचान सकते हैं कौन सी जगह चुक गई इतने सारे कपड़े पहनने के बावजूद? यहाँ पे 2 प्रश्न हैं पाठक के लिए, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, यहाँ में लिख के बताएं, और इस कविता में बच्चे को अभी भी ठंड क्यों लग रही है? तो कविता और जो चित्र कविता के साथ है, कोशिश ये रहती है, इवन कार्यशाला के दौरान भी जब हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ रचने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली नन्हे पाठकों के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन या विजुअली पाठक क्या देख रहा होगा उसमें तालमेल बना पाए हम जितने सहज तरीके से, वो कोशिश भी रहती है। सो ये एक कविता है संगीता सिंह जी की। ये एक और है, गुल्लू भाई भाई मूछों वाले, आप देख सकते हैं इनकी मूछें काफी काफी माने काफी लंबी है, तो गुल्लू भाई मूछों वाले, ये लिखा है अश्विन मकवाना और वंशिका गोयल ने, दोनों ने मिलके इस कविता पे काम किया था, तो मैं पढ़ देती हूँ। गुल्लू भाई की मूछ बड़ी, जा गाड़ी में खूब अड़ी, सरकते खिसकते गुल्लू भाई, मूछे इनकी क्या क्यामत लाई, थे गुल्लू बड़ी जल्दी में पर मूछे फंस गई खिड़की में, तोड़ मोड़ कर मूछों को बंद किया तब खिड़की को, मूछे बैठी सीट पर चार, गुल्लू भाई अब करे विचार, दाएं बाएं और आगे पीछे मूछे ही मूछे मूछे ही मूछे, बैठ मूछों के बीच में गुल्लू, लगे नारंगी झाड़ पर उल्लू, टन से तब तरकीब आसूझी, मूछों के बीच लकीर जा खींची,
आधी मूछें खींची दाएं, आधी मूछें खींची बाएं, खींच कर बस्तों की बनी वो रस्सी, सब निपटाने में मिनट लगे 80। फैल कर अब बैठ गए भाई गुल्लू, दौड़ाई गाड़ी स्पीड में फुल्लू। सो या दिस इज वन पोम। और यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रश्न है नन्हे पाठकों के लिए, अगर गुल्लू भाई अपनी गाड़ी में आपसे मिलने खुद आए तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? इन मूछों के साथ क्या किया जा सकता है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? ये बच्चों को सोच के लिखना है। एक और कविता है, मन मौजी कबूतर। कबूतर ये रहे, और ये मन मौजी क्यों है ये हमें मिहिर बताते हैं। एक कबूतर, दो कबूतर, आसपास चौपास कबूतर, दाना चुगते छोटे मोटे बड़े बड़े दो चार कबूतर, स्कूल नहीं जाने की इच्छा, दिन में भी सो जाते कबूतर, जवार बाजरा भुट्टा भुट्टी रोज छुट्टी बनाते कबूतर, बिना पढ़े एग्जाम लिखे ही पास वास हो जाते कबूतर, एक कबूतर, दो कबूतर, आसपास चौपास कबूतर। और ये है कबूतर आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और यहाँ एक सवाल भी छुपा है, स्कूल की छुट्टी होने पर आप क्या क्या करते हैं, वो यहाँ पे पाठकों को लिख के बताना। तो कोशिश ये भी है कि कोई भी जब हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बात करते हैं कक्षा में, और ये हम कहते हैं कि बहुत ही अर्ली ईयर्स से कक्षा एक या उससे पहले भी अगर बच्चों को स्कूल का एक्सेस है, उस क्लास में भी अगर प्रिंट से बच्चों का एंगेजमेंट रहे, तो बस केवल पढ़ने के साथ ही ना रहे, बट एक इंटरैक्टिव जगह हो, वो एक जगह ऐसी बन सके जहाँ पे बच्चों को भी कुछ कहने का, कुछ बताने का, कुछ शिकायत करने का, या कुछ कहना कि नहीं मुझे नहीं पसंद, या मैं क्यों बताऊँ मैं छुट्टी में क्या करती हूँ, उस तक का स्कोप रहे। तो कोशिश यही थी कि जब हम कविताएं लिख रहे हैं, चित्रों के इर्द गिर्द समझ रहे हैं, या चित्र बना रहे हैं, कविताओं के इर्द गिर्द लिख रहे हैं, तो एक छोटी सी गतिविधि भी पाठकों के लिए हो। ये एक और कविता है, पर पू। ये कविता लिखी है दीप्ति विक्टर ने, हम पढ़ते हैं इसे। पर पू। मोटू सेठ का बड़ा सपेट, थक गए वो सड़क पर लेट, उलट पलट कर अपना पेट, पहुंचे सीधा इंडिया गेट, इंडिया गेट का नींबू गोला, काम किया जैसे हाजमोला, पेट पकड़ चिल्लाया रे, आया 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 रे, भड़ भड़ाबू गड़गड़ागू, पर भागा सेठ अब घर को क्यों, क्योंकि क्योंकि सुर के साथ अब बहकी बू, पर पू, पर पू। तो ये है, और जो सवाल वो इस तरीके से है कि क्या मोटू सेठ की तरह आपका पेट भी कभी खराब होता है या हुआ है? पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, हमें भी बताइए। तो इस पे खूब मजेदार चर्चा भी बच्चों के साथ की जा सकती है। एक और कविता है, हंसते हंसते। ये चेतना जैन जी ने लिखी है, हंसते हंसते। देखते हैं कैसे हंसते हैं। हंसते हैं तो हंसते 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 ही रह जाते हैं, चारों दिशाएं हिल जाए जब लगते इनके ठहाके हैं, जाने कौन सी बात सुनी, कौन सी कहानी है कह डाली, जाने किसको बुद्धू बनाया, किसको की गुदगुदाली, खाना पीना भी अक्सर ऐसे ही भूल जाते हैं, क्योंकि हंसते हैं तो हंसते 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 ही रह जाते हैं। यहाँ दो सवाल है कि आपको किसके साथ हंसने हंसाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, उनके नाम लिखिए, और कौन कौन सी बातों पर आप दोनों हंसते हंसते गिर जाते हैं वो भी कारण बताएं। तो ये एक सवाल था।
ये एक और कविता है, और ये पिप्पी लंबे मोजे, पिप्पी लंबे मोजे ओरिजिनली स्वीडिश भाषा जो है उसमें लिखी गई है एस्ट्रिड लिंडग्रेन द्वारा, और हम कुछ अंश पिप्पी के शुरुआती और मोटा मोटा कुछ और अंश बीच के हम पढ़ते हैं, क्योंकि पिप्पी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त एक किरदार है जो एस्ट्रिड लिंडग्रेन ने लिखी है, जिसको सोचा है और जिसको ऑलमोस्ट मतलब जान दे दी गई है, और मेरी बहुत फेवरेट है पिप्पी। तो उसके इर्द गिर्द एक कविता लिखी गई है राधिका चतुर्वेदी द्वारा, और चित्र बनाए हैं सोनिया मंडल ने। पिपटी 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 पो, पिपटी 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 पो, पिप्पी पहने चोटी दो, नीले मोजे लाल बाल, नाक पे गड्ढे करते कमाल, भर भर ताकत पिप्पी में पर जल्दी बाजी हर समय, ना माँ बाबा ना कोई मलाल, ये करती अपनी देखभाल, बिल्कुल विला की रानी है, अपने दोस्तों की नानी है, वो देखो आसमान में ऊंट, पिप्पी ने फिर बोला झूठ, पिपटी 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 पो, देखो पिप्पी लंबे मोजे को। काफी ताकतवर है। यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि पिप्पी ने और भी कुछ झूठ बोले हैं, जैसे वो रात को चांद खाती है और दिन में सूरज को नहलाती है, क्या आप भी पिप्पी को ऐसी ही कुछ अटपटी बातें सुझा सकते हैं, हमें लिखकर बताएं। तो बच्चों को सोचनी है ऐसी कुछ अटपटी सच्ची झूठी बातें। ये एक और कविता है, टर टर टाए, मगरमच्छ और कुछ मेंढक यहाँ दिख रहे हैं, टर टर टाए, इसे लिखा है कोमल प्रजापति जी ने। मस्ती में झूमता चला मगर, मेंढकों ने पकड़ा बीच डगर, शोर मचाते गाना गाए, टर टर टाए टर टर टाए, शोर से तंग हुआ मगर, सोचा अब मैं जाऊं किधर, जान बचाऊं या बचाऊं कान, शोर से अब वो बहुत परेशान, बचना है इनसे आज अगर, तो लेनी होगी नई डगर, फिर अपने पैर को पक्का कर, पूंछ घुमाई भभक कर, हवा में मेंढक लपक कर, ऐसे गिरे टपक कर, डर के मारे टर टर टाए, मगर को किया सबने बाय बाय। तो या दिस वाज वन, और इसमें एक साथ में जो गतिविधि है वो बहुत सारे पूंछ यहाँ छिपे हैं, तो पाठकों को पहचानना है कि कौन से जानवर या चीजों की यहाँ पूंछ उनको दिख रही है, और उनकी सूची यहाँ पे उन्हें लिखनी है। तो ये एक है, मेरे ख्याल ये शायद आखिरी हम साझा करते हैं अभी के लिए फिलहाल। और ये है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस, अगर आप नहीं जानते, क्योंकि मैंने भी इस कार्यशाला में जाना, एक ब्रीड है और मुर्रा भैंस नाम की, तो चित्रा जी ने इस पे इसको लिखा है, इस कविता को, और चित्र सोनिया मंडल द्वारा किया गया है। तो हम पढ़ते हैं, क्या है ये मुर्रा भैंस, क्या करते हैं। खटखट खटखट खट खुर्रा, हट 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 हुर्रा, बाबा घर संग ले आए एक भैंस मुर्रा मुर्रा, अकड़े तो मानो ऐसे काली पगड़ी का तुर्रा, सींग तो ऐसे लागे जैसे हसिया सा बुर्रा, तुनक तुनक यूं चाले जैसे पिया हो सुर्रा, रंभाए तो ऐसे देखो जैसे शोर कर रम कुर्रा, डांडा डांडा डकारे तो नाम दिया है डुर्रा। ये है मुर्रा भैंस। यहाँ पे भी कुछ सवाल है, आप कौन से जानवर या पक्षी को पालना चाहते हो और हमें उनका नाम बताइए, डुर्रा भैंस की तरह आप भी उसे एक नाम दीजिए, और अपने पालतू जानवर का यहाँ पे चित्र बनाए। ये कुछ रचनाएं हैं जो आप देख सकते हैं प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के साथ
उपयोग में लिया जा सकता है। और भाषा शिक्षण के अगर हम उद्देश्य देखें प्राइमरी कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम इन इन रचनाओं को अगर यूज करें तो हम देख सकते हैं कि बच्चों को आनंद आ रहा है, लेकिन किस तरीके से वो लिटरेसी में भी क्या शायद मदद कर रहा है क्या, तो उसे देखना भी एक दिलचस्प जर्नी रहती है। सो वी वुड इनवाइट यू ऑल टू रीड एंड टू राइट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर योर चिल्ड्रन इन देयर लैंग्वेज। वी नो कि भारतीय भाषाएं जो बहुत ही डाइवर्स हैं और बहुत ही जरूरी हैं कक्षा में, अर्ली ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में, तो इसीलिए भी टीचर ऑथर की हम अपने बच्चों के लिए उनकी भाषा में क्रिटिकल, कॉन्टेक्चुअल और कॉम्प्रिहेंसिव रचनाएं या बाल साहित्य लिखें। सो हमारा अभी नया बैच जनवरी में शुरू हो रहा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट, सी व्हाट वी आर डूइंग। इट्स अ क्रेजी जर्नी बट इट्स रियली रियली इमेंसली फन। सो यू कैन लॉग ऑन टू www.teacherauthor.in एंड इफ यू लाइक देम फील फ्री टू शेयर इट विथ योर यंग रीडर्स एंड राइटर्स and join us in our upcoming batch. Thank you so much. Thank you so much for this time. Thank you.